अब मैं बुलाना चाहूंगी, अभी कहते हैं ना कि एक वर्ड होता है मैन ऑफ द आवर, तो जिनका भी चर्चा ज्यादा होता है उन्हें ये कहा जाता है। तो अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनको जाना जाता है पुष्पा द राइज फिल्म के जो सॉन्ग के लिखे हैं, लिरिसिस्ट हैं वो, कंपोजर हैं, उन्हें उस लिए जाना जाते हैं। सिर्फ पुष्पा फिल्म ही नहीं बल्कि उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर, शिवाजी और बॉस जैसी फिल्मों के गाने भी लिखे हैं, सॉन्ग कंपोज किए हैं। सो आइए ऑन स्टेज बुलाते हैं मिस्टर रकीब आलम जी को, जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करिए करते हैं मिस्टर रकीब आलम जी का। From you now, क्योंकि ये फिल्म ऐसा कुछ कोई नहीं है इस दुनिया में जिसे नहीं पता हो पुष्पा द राइज क्या है, और पुष्पा द राइज फिल्म छोड़िए गाने क्या है ये सबको पता चल चुका है। सो आप इससे रिलेटेड जो भी कुछ हमें बताना चाहें हमें बड़ी खुशी होगी जानकर। ओवर टू यू। हाय एवरीवन, मैं एक्चुअली इससे पहले भी कई गाने मैंने लिखे और मैं तब उतने चर्चा में नहीं रहा क्योंकि स्लम डॉग मिलियनेयर के भी गाने लिखे और ए आर रहमान साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे, कम से कम 10 गाने लिखे। ये इत्तेफाक था कि देवी से प्रसाद जो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भैया, मुझे भैया बोलते हैं, कि इसके गाने लिखने हैं आपको। और मैं गया वहाँ गाने लिखने के लिए और चूँकि वो ट्रांसलेशन होता है साउथ के गाने का तो थोड़ी मुझे तकलीफ़ हुई लिखने में, लेकिन उसमें चूँकि लिप नहीं था तो मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला बेहतर करने के लिए, और जो मैं गाना जो बन के आया वो आपके सामने है। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे और इस गाने को इतना सराहा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या श्रीवल्ली वाली हाँ गाते हैं। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हर्फी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये गाने ही ऐसा हो, ये स्टेप गाने, गाना तो पॉपुलर है साथ में ये स्टेप भी बहुत पॉपुलर हो, उसी चक्कर में लोगों की चप्पलें छूट गई कहीं ना कहीं।